आगे बात करते हैं। नेक्स्ट एसिड को ही एक और तरीके से भी क्लासिफाई किया जाता है। बेसिकली आई वुड सजेस्ट कि अगर वो आपसे टाइप्स ऑफ एसिड्स पूछे तो आपको ऐसे ही बताना चाहिए। फ्रॉम टाइम पीरियड पॉइंट ऑफ व्यू नॉन करंट एसिड, करंट एसिड। पर इनको समझाने से पहले मैं एक और वर्ड आपको समझाना चाहूंगी, दैट इज ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है बच्चों? ऑपरेटिंग साइकिल मीन्स वो ड्यूरेशन, वो टाइम पीरियड प्रोक्योरमेंट ऑफ एसिड से लेकर फाइनली जब हम उसको बेचकर कैश में या उसके कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल, एक मार्कर का जो ऑपरेटिंग साइकिल है, इसको बनाने के लिए जो जो सामान चाहिए होगा उसको खरीद कर जब तक मैन्युफैक्चरर ने इसको बेच नहीं दिया, दैट इज ऑपरेटिंग साइकिल। हर प्रोडक्ट का एक अपना ही ऑपरेटिंग साइकिल होता है। से फॉर एग्जाम्पल, किसी प्रोडक्ट का ऑपरेटिंग साइकिल 9 मंथ्स होता है, किसी प्रोडक्ट का ऑपरेटिंग साइकिल लंबा होता है। जैसे एक बिल्डिंग जब बनती है तो जब से बननी शुरू होती है टिल द फाइनल वो काफी लंबा ड्यूरेशन है। एक्चुअली तो जो प्रॉफिट लॉस निकलना चाहिए वो हम कोशिश करते हैं कि ऑपरेटिंग साइकिल के एंड पे निकालें, मगर हर प्रोडक्ट का, हर बिजनेस का ऑपरेटिंग साइकिल अलग अलग है। तो अब उसको यूनिफाई और सिमिलर और कंपैरिजन करने के लिए जो हमारे लॉ बनाए गए उसमें 12 मंथ्स के ड्यूरेशन को, क्योंकि हमने 12 महीने ही क्यों लिए, क्योंकि हम इंसानों ने अपनी जिंदगी को भी 12-12 महीने के गैप पे, एक बच्चा जब पैदा होता है तो हम एग्जैक्ट 12 महीने बाद उसका बर्थडे मनाते हैं, है ना, एक साल हमने ये टाइम क्रिएट किया है। ये टाइम कोई खुदा ने तो बना के भेजा नहीं, भगवान ने तो किया नहीं, हम इंसानों ने अपनी जिंदगी के जो ड्यूरेशंस माने उस 12-12 महीने के गैप माने इनिशियली, ठीक है ना, ऋतुओं के हिसाब से 4 ऋतुएं निकलती थी तो एक साल किसान मानता था, ठीक है ना। तो उसी तरीके से जब सभ्यता डेवलप हुई तो एक एक साल के ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग हमने अपनी लाइफ को माना। उसी से पैरेलल करते हुए ऑपरेटिंग साइकिल को हम यूजुअली 12 मंथ्स का ड्यूरेशन लेते हैं। तो ये 12 महीने बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं अकाउंटेंसी में, इसको हम ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं। आप बात करते हैं इनकी, ठीक है, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। पहले करंट एसेट की बात करो, करंट एसेट याने दैट एसेट विच विल गिव मी अ बेनिफिट टू अ मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ 12 मंथ्स, दैट इज 1 ईयर, ठीक है। उस एक साल के अंदर या तो मैं इस एसेट को बेचकर इसको कैश में कन्वर्ट कर दूंगी या मैं इस एसेट का पूरा बेनिफिट कंज्यूम करूंगी। ये वॉटर बॉटल, ठीक है, ये वॉटर बॉटल जिस होल दुकान वाले से मैंने इसको खरीदा था, उस दुकान वाले ने जब होलसेलर से इसको खरीदा होगा तो उसकी इंटेंशन क्या थी कि भैया इसको जल्दी से जल्दी बेच दूंगा, ठीक है ना, राइट टू सेल था उसके पास और उसकी इंटेंशन भी यही थी कि भैया इसको तो फटाफट बेचूंगा, इसका बेनिफिट फटाफट फटाफट कंज्यूम करूंगा। उसने ये तो नहीं सोचा था कि इस बॉटल को रखे रखूंगा संभाल के और बहुत सालों तक यूज करूंगा, ऑफ कोर्स नॉट। तो दिस इज ऑल्सो करंट एसेट फॉर दैट पर्सन, ठीक है। बात करते हैं एक एयर कंडीशनर की, ठीक है, करंट एसेट फिर से बता रही हूँ। करंट एसेट आर दोज एसेट्स हुज बेनिफिट आर एग्जॉस्टेड विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, दैट इज मैक्सिमम 1 ईयर, और हु विच विल बी कन्वर्टेड इन टू कैश विद इन अ पीरियड ऑफ मैक्सिमम 12 मंथ्स, इधर बिफोर और मैक्सिमम 12 मंथ्स, दैट इज करंट एसेट। करंट एसेट के लिए मेरी इंटेंशन यही होती है कि जल्दी से जल्दी या तो इसको बेच डालो या फिर इसका बेनिफिट कंज्यूम कर लो। बात और जो जिन एसेट्स का बेनिफिट लंबे टाइम तक चलता है, मोर देन वन
करंट वन ईयर, इस ये जो 12 मंथ का ड्यूरेशन होता है ना अकाउंटेंसी में, इसको अकाउंटिंग पीरियड कहते हैं। तो कोई भी ऐसा एसेट, एनी एसेट विच इज हेल्ड, नॉट इंटेंशन ये नहीं है कि हम उसको यूज करेंगे, मतलब हम इसको बेच देंगे जल्दी से जल्दी, या इसका बेनिफिट एक साल एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर ही एग्जॉस्ट हो जाएगा। ये एसेट्स का हमारा पर्पस होता है कि भैया इनको हम लंबे टाइम तक यूज करेंगे, लंबा टाइम, ठीक है, लंबा टाइम यानी मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड हम इनको यूज करेंगे। या हमारे पास हो सकता है हम इनको बेच दें, मानो आज मैं कोई इन्वेस्टमेंट करती हूँ, एक इन्वेस्टमेंट मैं करती हूँ कि जल्दी से जल्दी बेच दूंगी, तो वो इन्वेस्टमेंट कहलाएगी करंट एसेट। वहीं पर एक इन्वेस्टमेंट करने का मेरा पर्पस है कि मैं इसको ना बचा के रखूंगी और थोड़े टाइम के बाद बेचूंगी, तो वो मेरा नॉन करंट। इंटेंशन सेम थी, बेचूंगी, मैंने सोना खरीदा, क्यों बेचूंगी भैया इसको, लेकिन अगर मैंने उसको विद इन अ ईयर ही बेचने का इंटेंशन है, शेयर्स भी होता है यूजुअली ऐसे, तो हम उसको करंट एसेट कहते हैं। और अगर हम लंबे टाइम तक एक लॉक इन पीरियड के साथ खरीदते हैं तो हम उसे नॉन करंट एसेट कहते हैं, ठीक है। अब हाँ, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, अब बुक में अगर पेपर में डेफिनेशन आई तो नॉन करंट एसेट की कैसे लिखोगे? नॉन करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स which are held primarily by a business not with an intention to resell within an accounting period but the intention is to use them to operate the business or to sell them after a accounting period after 1 year, theek hai, these are non current assets। ha to main baat kar rahi thi ek air conditioner ki, मैंने यहाँ कमरे में एक एसी लगाया इंस्टीट्यूट के, ठीक है, जब मैंने ये जिससे मैंने ये एसी खरीदा है, उस बंदे की इंटेंशन क्या थी खरीदते समय कि भैया जब उसने होलसेलर से खरीदा चांदनी चौक के, तो विजय सेल्स से मैंने ये एसी खरीदा यहाँ पीतमपुरा में, तो विजय सेल्स की इंटेंशन क्या थी, फटाफट फटाफट इस माल को आगे बेच देना है, वो इसको रखना नहीं चाहता था, तो उसने इसको करंट एसेट कहा। मैंने जब ये एसी खरीदा, मेरे पास इंटेंशन थी भाई मैं इसको यूज करूंगी अपना बिजनेस चलाने के लिए, और मेरी दिली इच्छा है कि ये मेरे को लंबे टाइम तक बेनिफिट दे, मैं नहीं चाहती कि ये बस मुझे एक साल बेनिफिट दे, मेरा कुंडा हो जाएगा तभी तो, ठीक है। सो मैं चाहती हूँ कि ये मुझे लंबे समय तक बेनिफिट दे, तो मैंने उसी एसी को नॉन करंट एसेट कहा। एक ही एसी किसी के लिए करंट एसेट, किसी के लिए नॉन करंट एसेट। मशीनरी, मशीन बेचने वाले के लिए करंट एसेट, वही मशीन जब कोई अपनी फैक्ट्री के लिए खरीदता है उसके लिए नॉन करंट एसेट। समझ में आ रहा है? आई होप समझ में आ रहा है, मेरी पूरी कोशिश है कि समझ में आ जाए, ठीक है। कुछ डाउट हो तो एक बार रिवाइंड करके देख लेना, और आगे चलते हैं इनके बारे में, और भी आगे कुछ बताते हैं। नॉन करंट एसेट के अंदर क्या कंपोनेंट्स होते हैं मैं शॉर्टकट से सिखाऊंगी। फंड लो, फंड लो, एफ एन डी एल ओ, फंड लो। वैसे तो ज्यादातर 12th के बच्चे ऐसे सीखते हैं, बट मैं जब सिखाती हूँ तो मैं सिखाती ही ऐसे हूँ कि 12th का भी काम हो जाए। नॉन करंट एसेट में फंड लो है, एफ यानी फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट यानी फिक्स्ड एसेट मींस यूजुअली इसमें वो दोज एसेट, इट कवर्स दोज एसेट्स व्हिच आई हैव बॉट विद एन इंटेंशन ऑफ नॉट रीसेलिंग। माय इंटेंशन टू परचेज दीज एसेट इज टू ऑपरेट माय बिजनेस, जैसे कि वो एसी था, ठीक है। सो फिक्स्ड एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच आर बॉट बाय अ बिजनेस नॉट विद एन इंटेंशन टू सेल बट विद एन इंटेंशन टू रन द बिजनेस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फिक्स्ड एसेट के अंदर कौन कौन से होते हैं? मेजरली दो होते हैं, वैसे तो और भी टिकी कहते हैं उसको, लेकिन अभी आपके लिए मैं कहूंगी इट इंक्लूड्स टैंजिबल एसेट्स एंड इनटैंजिबल एसेट्स। पढ़ा था ना अभी हमने, वही है इसमें। तो एग्जाम्पल आप वहां से इतने सारे दे सकते हो। एन का मतलब क्या है?
एन मीन्स नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, यानी कि मैंने कहीं कोई इन्वेस्टमेंट करी है। इन्वेस्टमेंट किस में? प्रॉपर्टी में, शेयर्स में, गोल्ड में, बॉन्ड्स में, म्यूचुअल फंड्स में, मगर मेरा पर्पस है कि अभी नहीं बेचना है, लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट किया है। कभी कभी इन्वेस्टमेंट्स में एक लॉक इन पीरियड होता है, 2 साल 3 साल, तो ऐसी सारी इन्वेस्टमेंट नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट कहलाई जाती है। 11th और 12th क्लास के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से डी का आपको नाम पता होना चाहिए, क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं। अगर आप इसको मिस भी कर दोगे, फंडलो कर दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। एल यानी लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, आपने किसी को लंबे टाइम के लिए कोई लोन दिया हुआ है, या आपने किसी कंपनी में कोई एडवांस दिया हुआ है लंबे टाइम के लिए, जैसे डिपॉजिट होता है कस्टम वालों के पास, एक्साइज वालों के पास, टेलीफोन डिपार्टमेंट के पास, भाई कनेक्शन दिया, पहले सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कराओ 5,000 का, तब जाके टेलीफोन मिलेगा, और वो सिक्योरिटी डिपॉजिट तब तक बना रहेगा जब तक टेलीफोन यूज कर रहे हो, जब टेलीफोन खत्म करोगे सर्विस तो डिपॉजिट वापिस मिल जाएगा, दैट इज लॉन्ग टर्म एडवांसेस। ओ से अदर नॉन करेंट एसेट, कोई भी ऐसा एसेट जो कि इन कैटेगरीज में नहीं आता वो इसमें चला जाता है। फिर से एक बार नॉन करेंट एसेट को रिवाइज करते हैं। नॉन करेंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच विल गिव अस द इकोनॉमिक बेनिफिट फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, से वन मोर देन वन ईयर। नॉन करेंट एसेट्स, द कॉम्पोनेंट्स ऑफ नॉन करेंट एसेट्स आर, अब दिमाग में होना चाहिए फंडो, ठीक है, फिक्स्ड एसेट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस एंड अदर नॉन करेंट एसेट्स। 1 मार्क और 2 मार्क के लिए डेफिनेशन बहुत है, आप एग्जाम्पल्स दे सकते हो उनमें से कुछ भी। से फॉर एग्जाम्पल, गिवन अ 3-year loan टू मिस्टर ए, आप फिक्स एसेट के एग्जाम्पल दे सकते हो, बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी, गुडविल, ठीक है। बात करते हैं, कभी कभी सिर्फ फिक्स एसेट की डेफिनेशन आ जाती है। फिक्स एसेट की डेफिनेशन कैसे दोगे? वैसे तो मैं इसका पीडीएफ भी भेजूंगी, ठीक है। फिक्स एसेट की डेफिनेशन, फिक्स्ड एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर बॉट नॉट विद एन इंटेंशन टू रीसेल, बट दे आर बॉट विद एन इंटेंशन टू रन द बिजनेस एफिशियंटली। फॉर एग्जाम्पल, बिल्डिंग, मशीनरी, लैंड, पेटेंट, कॉपीराइट। फिक्स्ड एसेट्स इन्वॉल्व्स टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। उसके बाद नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट यूजुअली पूछते नहीं है, बट बाय चांस पूछ लो तो, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स आर नॉन करेंट एसेट्स, दे आर बॉट विद एन इंटेंशन टू रीसेल आफ्टर अ ड्यूरेशन ऑफ 1 year, दैट इज मोर देन वन आफ्टर अ अकाउंटिंग पीरियड। ज्यादातर यही पूछा जाता है नॉन करंट एसेट्स में, ठीक है। बात करते हैं करंट एसेट के कॉम्पोनेंट्स की। करंट एसेट के जो कॉम्पोनेंट्स हैं, आप उसको ऐसे कह सकते हो, आई ऑलवेज से लाइक दिस, सिट कसो, सिट कसो, सिट कसो। सी यानी करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट यानी इन्वेस्टमेंट शेयर्स में, गोल्ड में, बॉन्ड में, प्रॉपर्टी में, मगर इंटेंशन है इसी साल में बेच देंगे, ठीक है। इनका कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता, जब चाहो तब बेच दो, दीज आर करंट इन्वेस्टमेंट्स। आई यानी इन्वेंटरी, इन्वेंटरीज को स्टॉक भी कहते हैं, आई यानी इन्वेंटरीज इसको स्टॉक भी कहते हैं। स्टॉक किसका? रॉ मटेरियल का स्टॉक, बने हुए सामान का स्टॉक, आधे बने हुए सामान का स्टॉक, इन्वेंटरी। अभी सिर्फ आपको नाम याद करना है। टी यानी ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल का भी अभी तो कहूंगी नाम याद करो, अगर मैं ये सब एक एक करके डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी तो फिर से वीडियो 1 घंटे का हो जाएगा। आई विल सेपरेटली पुट अ वीडियो ऑन इन्वेंटरी एंड ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है। दिस सी यानी कैश एंड
नहीं है मेरे पास और कैश इक्विवेलेंट यानी जो यू कैश में कन्वर्ट हो जाए विद इन 3 मंथ्स। एस यानी शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस, मैंने किसी को लोन या कोई एडवांस दिया है जो मुझे विद इन अ ईयर वापस मिल जाएगा। और ओ यानी अदर करंट एसेट, जो बाकियों में नहीं आया वो इसमें आ जाएगा। फिर से सुनो करंट एसेट की डेफिनेशन। करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर गॉट विद एन इंटेंशन टू कंज्यूम द बेनिफिट और फॉर द टू रीसेल विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, द कॉम्पोनेंट्स ऑफ करंट एसेट आर, अब 6 को माइंड में होना चाहिए, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस एंड अदर करंट एसेट। अगर आपने ये डेफिनेशन लिख दी करंट एसेट की, एग्जाम्पल दे दो, किसी के भी एग्जाम्पल दे दो, एग्जाम्पल हो गया करंट एसेट का इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, कैश इन हैंड, डिमांड डिपॉजिट एट बैंक, बैंक में जो आपका पैसा रखा है, ट्रेड रिसीवेबल, ये एग्जाम्पल्स ही हैं इनके। ठीक है, सो अगर आपने डेफिनेशन और ये कॉम्पोनेंट्स बता दिए विद वन और टू एग्जाम्पल, जो कि जब आप ये पढ़ोगे तो आपको बड़े आराम से आ जाएंगे, कोई हो ही नहीं सकता आपके मार्क्स काट के दिखा दे। ठीक है जी, तो आज की जो क्लास है उसमें हमने पढ़ा एसेट क्या होता है, ये दो हक होने चाहिए हमारे पास, फिजिकल प्रेजेंट से टैंजिबल इंटेंजिबल, मेनली ये है टाइप ऑफ एसेट्स, नॉन करंट, करंट, नॉन करंट के कॉम्पोनेंट्स विच वर फंड लो, जिसका मैंने कहा था डी चाहो तो मिस कर दो मगर फंड लो जरूर याद रखना। एफ यानी फिक्स्ड एसेट, एन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, अदर नॉन करंट एसेट, फंड लो। ठीक है जी, फिक्स्ड एसेट के अंदर आते हैं टैंजिबल और इनटैंजिबल भी, जो कि हमने किए थे याद रखना, फुनसुक मांगलू। ठीक है जी, और करंट एसेट जो हम एक ही साल के अंदर खा पी के खत्म डकार मार लेंगे, करंट एसेट 6 को उसके कॉम्पोनेंट है जो कि मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। फिर आऊंगी एक और वीडियो में एक और टर्म लेकर, क्या कहा, चैप्टर 1 बेटा, वो तो अब हमने वैसे भी लाइव सेशंस में कंप्लीट कर ही दिया है। लाइव सेशन में ज्वाइन करने के लिए मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, आई विल टेल यू द प्रोसेस, मगर अभी इसका फायदा उठाओ, इसको नोट करो, इसका पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी आपको। ठीक है, इनकी सारी डेफिनेशंस भी नीचे दे दूंगी विद एग्जांपल्स डिस्क्रिप्शन में। टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर, कीप रीडिंग।